मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामईन, बच्चों के बेहतर नाम रखने के सिलसिले में कई नाम और उसके मतालिब हम लोगों ने सुने। आज हम लोग और कुछ नाम और उसका मतलब सुनेंगे, ये नाम रखना चाहिए या नहीं। जैसे कि अज़लान, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, आप उसको देखें कि ये अज़लान किस तरह लिखा जाता है उर्दू में। पहली बात तो ये कि अज़लान उर्दू, फारसी, अरबी किसी भी लुगत में ये बच्चे का नाम नहीं मिला, और इसका मतलब क्या है ये भी नहीं मिला। ये मुहमल लफ्ज है, यानी असल नाम के साथ जो दूसरा नाम मिलाकर बिगाड़कर बोला जाता है ये वैसा नाम है। जैसे कि रोटी के साथ, पानी के साथ लोग बोलते हैं पानी वानी, रोटी वोटी, तो ये रोटी के साथ जो आया है ये मुहमल है, ऐसे ही अज़लान है। किसी सहाबी किसी नबी का ये नाम नहीं है, इसलिए अज़लान नाम ना रखा जाए। और इसी तरीके से और दो नाम है वो भी पूछा गया, अरशान और अरशमान। इन दोनों नामों का रखना कैसा लड़कों का नाम, तो ये दोनों नाम भी रखना नहीं चाहिए। अर्श का माना होता है तख्त, आसमान, आठवां आसमान, बुलंद जगह। और ये जो अलिफ और नून है ये इसके अंदर जायद है अरबी कायदे के इतिबार से, तो अरशान ये नाम ना रखा जाए। अर्श एक ही है और वो अर्शे इलाही है, उसकी मुनासिबत नाम के साथ नहीं है, ये गैर मुनासिब और गैर मानूस नाम है, ये ना रखे जाए। इसी के साथ अर्शमान ये भी ना रखा जाए। अर्श का माना आपने समझ लिया, सुन लिया। मान का मतलब संस्कृत में गुरूर, घमंड और तकबुर के होते हैं, और उर्दू जबान में मान पान बोलते हैं, इज्जत कद्र मंजिलत देना। तो ये दोनों नाम बच्चों के नाम के लिए गैर मुनासिब नामालूम है, मुनासिब नहीं है, ये नाम ना रखे जाए। और रह गया अज़लान, तो ये लोग टीवी सीरियलों में, फिल्मों में और दीगर जगहों पर ये सारे नाम देखते हैं, सुनते हैं, तो वहीं से रखने की कोशिश करते हैं जिसका कोई मतलब और माना नहीं है। लिहाजा वही नाम रखे जाए जो अम्बियाए किराम के हैं, अस्हाबे रसूल के हैं, जो मारूफ है। कुरान पाक के शुरू में अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम हैं, उन्हीं में से चुनकर बेहतर और अच्छे नाम रखे जाए। बाकी आप नाम का मतलब मालूम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कर सकते हैं, और इस नाम के मतलब की क्लिप को लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों को सही रहनुमाई मिल पाए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।